राधे राधे। तो कहते हैं हर दुख एक सबक देकर जाता है और वो सबक इंसान की दुनिया बदल देता है। कर्म भूमि की दुनिया में हम सब श्रम करते हैं, भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, इनमें रंग तो सिर्फ हम भरते हैं। हम रंग कैसे भर सकते हैं? अच्छी सोच से, अच्छे मन से। जब हम अच्छी बातें सुनते हैं, हम अच्छी बातें कहते हैं, तब कहीं ना कहीं असर जरूर होता है। देखिए ना, हम सब ने जैसे श्री राम जी का नारा लगाया तो असर हुआ ना, सब में एकता आ गई, एक अलग सा महसूस हुआ। तो कहीं ना कहीं हम सब में जो एक छुपा हुआ एक हिंदू था, जो एक साथ होने को इनकार करता था, आज इकरार करता है कि जय श्री राम कहता है ना, तो इन बातों का सच में असर होता है। इसी बात पे मैं एक बहुत सुंदर कहानी सुनाना चाहती हूँ, जहाँ एक चोर चोरी करते हुए भी एक सत्संग की बातें सुनकर अपने जीवन को बचा लेता है। वो क्या बात है, वो आज की कहानी में छुपा है। तो कहानी सुननी तो बनती है, तो कहानी शुरू करूं। तो होता ये है कि एक चोर जो आखिरी सांसें ले रहा है अपने बेटे को बुलाता है, कहता है बेटे मैं तुझे अपने जीवन का कुछ रहस्य बताना चाहता हूँ। पहला, कभी भी मंदिर में, धर्मशालाओं में, सत्संग में कभी भी मत जाना। और दूसरी बात, अगर चोरी करते वक्त अगर तू पकड़ा जाए तो कभी मत मानना कि तूने चोरी की है। चोर वो बात कहकर निकल जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। उसका बेटा आराम से चोरियां कर रहा होता है कि एक रात जहां चोरी कर रहा होता है वहां के लोग जग जाते हैं, चोर को पकड़ने लगते हैं, वो भागता है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। भागते 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 एक धर्मशाला के पास पहुंचता है। उसे लगता है क्या करूं, पिता की बात याद आती है कि नहीं जाना है, लेकिन इस वक्त उसके पास में कोई चारा नहीं होता और धर्मशाला के अंदर चला जाता है। पिता की बात याद होती है कि कभी भी इन लोगों की बात नहीं सुनना, तो कान में दोनों अपने कानों में उंगलियां डालकर बैठता है। पर मन कैसा चंचल है, जो चीज को मना करो उसी चीज के पीछे भागता है। तो उसने एक बात गलती से सुन ली कि देवी और देवताओं की परछाई नहीं होती। खैर, वो बस वहीं पे बैठा होता है कि जो लोग होते हैं उनसे पकड़ लेते हैं, पकड़ के राजा जी के सामने ले जाते हैं। राजा पूछता है कि बताओ तूने चोरी की कि नहीं, पर वो मना करता है कि मैंने चोरी नहीं की। उसको जो जेल में डाल देते हैं। अब वहां पे एक जो होती है, जिसे कहते हैं राजा की जो बिल्कुल खास, वो कहती है कि मैं ये पता लगा सकती हूँ कि ये सच बोल रहा है कि झूठ। मतलब एक ठगनी के रूप में वो सोचती है कि मैं देवी का रूप लेकर जाती हूँ, देवी देवताओं के सामने अक्सर लोग सच कह देते हैं। अब वो दो हाथ अपने झूठ के लगाकर, उनमें मशाल लगाकर, अब शेर के साथ सवारी कर पहुंचती है जेल में, क्योंकि वो राजा के साथ में ही होती है तो आराम से सारी चीजें हो जाती है। अब जैसे ही वो चोर माता को देखता है वो प्रसन्न हो जाता है, कहता है माँ आपने मुझे बचा लिया, मुझे बचा लो। अब वो झूठी जो ठगनी देवी के रूप में है वो पूछती है कि बता तूने चोरी की है कि नहीं, मुझे बता, मैं तुझे बचा सकती हूँ। अब वो कहता है, वो सोच ही रहा होता है, कह ही रहा होता है कि मैंने ही चोरी की है। उसके मुंह में ही होता है कि मैं बोल दूं सच अपनी माँ को। एकदम से उसको एक परछाई दिखती है, उस माँ की परछाई दिखती है, उस देवी के रूप वाली परछाई दिखती है। उसे एकदम से सत्संग की बात याद आती है कि देवी और देवताओं की कभी परछाई नहीं होती। एकदम से उसको समझ आता है और वो जो सच बोलने वाला होता है झूठ बोल देता है और कहता है कि माँ मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। अब वो जो ठगनी थी वो भी उलझन में आ गई। अब राजा के कुछ लोग भी बाहर कारावास के पास कान लगा के सुन रहे थे। अब सबको ये बात साबित हो गई कि इस चोर ने चोरी नहीं की, उसको बाइज्जत बलि करो। उसको बलि कर देते हैं और चोर बच जाता है। अब वो जैसे ही बाहर आता है तो सोचता है कि मैंने इतनी बड़ी चोरी की और मैं पकड़ा भी गया और मैं आराम से बाहर आ गया, कैसे? एक सत्संग की बात सुनकर, सिर्फ एक बात सुनकर अगर मैं चोर जो मैंने चोरी किया उससे बाहर आ सकता हूँ, तो सोचो अगर मैं सत्संग में ही बातें सुनकर रहूं तो मेरा जीवन तो अलग हो जाएगा। उस चोर ने उस दिन ठान लिया और चोरी करना बंद कर दिया और सत्संग में जाकर सेवा भाव करने लगा। कहानी का जो अर्थ है वो कहता है कि अच्छी बातें, अच्छी चीजें आपके कानों में कब क्या चमत्कार कर देंगी आपके जीवन में आपको नहीं पता है। मैंने इस कहानी से क्या सीखा,
कभी कभी मुझे सत्संग में जाना थोड़ा बोरिंग लगता था। मेरी मॉम बहुत बार कहती थी, नहीं कुछ भजन कीर्तन सुनो, तुम बातें सुनो, गुरु जी का चीजें सुनो, पर मैं नहीं सुनती थी। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद मुझे लगा मुझे दरअसल सुनना चाहिए। और जब मैंने एक्चुअल में सुना, तब बहुत सारी जो उलझने थी ना, बस वो बहुत आसान हो गए। ऐसा लगा कि इन बातों में कितना ज्ञान है। अगर हम सच में आराम से ध्यान से इन बातों को सुने तो इनका अर्थ जीवन में अलग ही होता है। खैर, ये तो मेरी बात थी, आप अगर सुने तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।